हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल झटपट होम फूड्स। आज हम बनाने जा रहे हैं चिल्ली कॉर्न सूप। तो चलते हैं फिर हम रेसिपी की तरफ। ये हमने चिकन ली है तकरीबन एक पाव के करीब, और इसके अंदर हमने सॉल्ट ऐड कर दिया है। अब हम इसको बॉईल करेंगे, जब ये गोश्त गल जाएगा तो फिर हम रेशा करेंगे। यह हमने ली है कॉर्नफ्लोर 4 टेबल स्पून। ये हमारे पास है चाइनीज़ नमक 1/2 टीस्पून। ये हमारे पास 1 टीस्पून ऑफ पिसी काली मिर्च है, और ये 1/2 टीस्पून ऑफ नमक है। ये हमारे पास चिल्ली सॉस है। ये हमारे पास विनेगर है। यह हम 1 टीस्पून लेंगे, ये हम 1/2 टीस्पून लेंगे। अगर किसी को खट्टा ज़्यादा पसंद होता है तो वो उसको ज़्यादा भी यूज़ कर सकता है। यह हम मैंने आपको बताया था कि चिकन मैंने गलने रख दी थी, यखनी बन गई है इसकी, और हमने इसकी बोटियाँ निकाल कर इसको इस तरीके से जो है वो क्रश कर लिया है, जैसे आपको दिख रही है। एंड ये जो हमारी यखनी थी, इसमें बेसिकली हमने 5 ग्लास ऑफ वाटर ऐड करा था। अब इसमें जब उबाल आ जाएगा तो हम इसके अंदर जो है वो सारे मसाले ऐड करेंगे। ये देखें, इसके अंदर आ गया खलावा यखनी के अंदर। हमारी यखनी बेसिकली हमने सिर्फ मुरमे डालकर 5 ग्लास ऑफ वाटर डालकर जो है बिल्कुल मामूली सा नमक डालकर हमने रख दी थी। अब ये हमने जो है यखनी में हमारी खलावा आ चुका है। अब ये जो मैंने आपको चीज़ें दिखाई थी, नमक, चाइनीज़ नमक, बेसिकली काले मिर्च, अब ये हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। आप लोग जो है वो नमक अपने हिसाब के मुताबिक भी ले सकते हैं। अच्छा जी, अब हम इसके अंदर ऐड करने जा रहे हैं 1 टीस्पून ऑफ चिल्ली सॉस, 1/2 टीस्पून ऑफ विनेगर। अच्छा जी, इसमें मुझे लग रहा था नमक कम, तो मैं इसमें थोड़ा सा और ऐड करने जा रही हूँ, देख सकते हैं। अच्छा जी, अब हम इसके अंदर डालेंगे चिकन, जो कि हमने क्रश कर दिए। देख सकते हैं, हमने इसके अंदर चिकन डाल दी है। हम इसके अंदर जो है एग भी डालेंगे। एग हमने बॉईल करने रख दिए हैं। एग हम इसमें डाल के फिर एंड में हम इसके अंदर कॉर्नफ्लोर मिक्स करेंगे। अच्छा जी, अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे 1 एग। इसको हमने मिक्स कर देना है। यह हमने कॉर्नफ्लोर लिया था, इसके अंदर हमने पानी ऐड कर दिया है, इसको इस तरीके से घोल दिया है। अब हम इसके अंदर डालते रहना है, चलाते रहना है। ये देख सकते हैं आप, कॉर्नफ्लोर हमने डालने के बाद इसको चमचा चलाना है, ये गाढ़ा होना शुरू हो गया। इसका थिकपन देखिए आप। इसके अंदर हम एंड में फिर हम एग भी शामिल करेंगे। देख सकते हैं आप, हमने यहाँ पर 3 अंडे भी उबालने रख दिए हैं, इसको हम एट द एंड डालेंगे इसके अंदर। ये 3 अंडे उबल चुके थे तो मैंने इसको जो है कटर से इस तरीके से काट लिया है। बाकी जैसे आप चाहें, आपकी मर्ज़ी, आप जैसे उसको काटना चाहें या कुछ भी करना चाहें, या साबुत भी बहुत से लोग खाते हैं, तो आप लोग वैसा रख सकते हैं। अच्छा जी गाइस, ये हो गया है हमारा रेडी चिल्ली कॉर्न सूप। आप लोग इसको ज़रूर ट्राई करें, बहुत यमी यमी सा लग रहा है ये मुझे, टेस्ट भी बहुत यमी यमी होगा इंशाल्लाह। आप लोग इसको ज़रूर ट्राई करें, मुझे सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर आपको कोई क्वेरी हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करें। शुक्रिया।